अब तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर प्लस विथ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के साथ इंस्टाग्राम की स्टोरी कैसे सेव होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टाग्राम के साथ म्यूजिक, मतलब जो स्टोरी होती है वो कैसे सेव होती है विद म्यूजिक के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो इंस्टाग्राम की स्टोरी सेव तो कर लेते हैं गैलरी में, पर जो होता है उनके साथ सॉन्ग नहीं आता है, वे विदाउट सॉन्ग आता है, पर नीचे जो सॉन्ग होता है वो चल रहा होता है पर वो विदाउट सॉन्ग होता है, उसमें सॉन्ग नहीं, मतलब सुनाई नहीं देता, वो विदाउट सॉन्ग सेव होता है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह लगाते हैं तो ऊपर एक एरो सा मतलब बना आता है, उससे हम स्टोरी सेव करते हैं तो वो गैलरी में आ जाती है सीधा, या तो कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन रख देते हैं कि मतलब सीधा मतलब जो सेव हो जाती है जैसे ही हम अपलोड करते हैं वो गैलरी में भी आ जाती है। पर बहुत सारी मतलब बहुत लोगों की वीडियो होती है वो विदाउट म्यूजिक आती है, तो जिनकी वो जो स्टोरी होती है विदाउट म्यूजिक आती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो विदाउट म्यूजिक से मतलब विद म्यूजिक कैसे हो सकता है। मतलब जितने भी आप मतलब एक स्टोरी आप सेव करना विद म्यूजिक, तो वो आप इंस्टाग्राम पे फिर दोबारा लगा सकते हैं विद म्यूजिक के साथ, अगर आप सेव करोगे गैलरी में। FB पे लगा सकते हो आप, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हो। तो जो आप मैं आपको बताऊंगी कि वो स्टोरी कैसे सेव करते हैं, और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मेरे को ये आइडिया उनसे मिला कि मतलब इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का, मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो उन्होंने मतलब स्टोरीज वगैरह लगाई थी पर वो विदाउट म्यूजिक लगाई थी। मैंने उनको बोला कि मतलब ये विदाउट म्यूजिक स्टोरी क्यों लगाई है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को पता नहीं चला, फिर उन्होंने डिलीट करा। फिर मैंने उनको बताया कि मतलब विद म्यूजिक स्टोरी कैसे लगती है, तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे दो तीन फ्रेंड्स और हैं ऐसे जिनको पता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ उसके ऊपर, ताकि मतलब और कोई भी हो जिसको मतलब पता ना हो कि विद म्यूजिक कैसे स्टोरी सेव करते हैं, तो उनको भी पता चल जाए कि मतलब कैसे सेव करते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, आप मेरी पूरी वीडियो देखना। अगर आप मतलब स्किप थोड़ी सी आगे करोगे, क्या पता वो वाला स्टेप मिस हो जाए कि मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ से सेव करनी है और कैसे सेव करनी है। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना और सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को करना, जिसको आपके फ्रेंड्स वगैरह को नहीं पता होगा कि मतलब स्टोरी वगैरह कैसे सेव करते हैं इंस्टाग्राम की, तो आप प्लीज़ उनको मतलब मेरे जो वीडियो है वो बिल्कुल भी मतलब भेजना ना भूलें। आप उनसे प्लीज़ शेयर करें मेरी वीडियो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि विच मतलब म्यूज़िक कैसे सेव करते हैं स्टोरी को। तो चलो मैं आपको अब बताती हूँ कि मतलब स्टोरी कैसे सेव करते हैं विद म्यूज़िक के साथ। चलो तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इंस्टाग्राम की स्टोरी कैसे सेव होती है विद म्यूज़िक के साथ, और गैलरी वगैरह में भी हर कहीं पे जहाँ पे भी आप मतलब वो स्टोरी डालोगे तो वो विद म्यूज़िक के साथ ही आएगी। तो चलो मैं अब इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ। तो मेरा ये इंस्टाग्राम ओपन हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर स्टोरी लगाऊंगी। अब मैं पहले स्टोरी के अंदर जाती हूँ, मैं अपनी स्टोरी लगाती हूँ, कोई भी मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, तो अब मैं इसमें कोई सॉन्ग लगा लेती हूँ। तो मैं म्यूज़िक में जाती हूँ, मैंने म्यूज़िक में भी सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया है। तो अब ये स्टोरी सेव हो रही है, तो अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं अभी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलो मैं आपको उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि हमने स्टोरी कहाँ से सेव करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रोम ओपन करना है, क्रोम के अंदर हमने लिखना है इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर लिख के फर्स्ट लिंक आ जाएगा आपके पास, डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरी एंड हाइलाइट्स, आपको इसको ओपन करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा आएगा डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरीज़, तो जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर यूज़र नेम, तो आप यहाँ पे किसी का भी यूज़र नेम डाल के, जिसका पब्लिक है अकाउंट, किसी का भी यूज़र नेम डाल के यहाँ पे उसकी स्टोरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने डाउनलोड में क्लिक करा, अब आपको यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो आपकी स्टोरीज हैं वो आ जाएगी यहाँ पे। देखो मैंने अभी ये वाली स्टोरी लगाई, तो अब मेरे सामने ये स्टोरी आ गई है। तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब तो जहाँ पे थ्री डॉट्स आ रहे हैं वहाँ पे डाउनलोड करना है, तो उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब ये गैलरी में आ गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखा देती हूँ कि पहले पोस्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब कैसे वो गैलरी में मतलब म्यूज़िक के साथ आया कि नहीं आया है। तो मैं अब गैलरी ओपन करती हूँ, उसमें आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ जो मैंने अभी स्टोरी सेव करी है।
तो ये देखो थोड़ी। मैं अब इसको शेयर करती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ और उसको मैं स्टेटस लगाती हूँ तो आपको बता देती हूँ कि म्यूजिक आता है। तो आपने देख लिया है कि मतलब हम मतलब कैसे सेव कर सकते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी विद म्यूजिक के साथ। आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, मैंने आपको पूरा उसमें वीडियो में बताया कि इंस्टाग्राम की स्टोरी हम कैसे सेव करते हैं विद म्यूजिक के साथ और कहाँ से सेव करते हैं, लिंक क्या है उसका, आपको यूजर नेम क्या डालना है, मतलब आपको यूजर नेम डालना है कि नहीं डालना, उसके लिए मतलब स्टोरी सेव करने के लिए आपको पासवर्ड वगैरह की कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको अपना यूज़र नेम डालना है। तो मैंने आपको पहले मतलब बता दिया है कि मतलब कैसे मतलब डालनी है वीडियोस वगैरह, मतलब यूज़र नेम कैसे डालना है, कैसे सेव करनी है आपको वीडियो इंस्टाग्राम से गैलरी में कैसे लेके आनी है विद म्यूज़िक के साथ। और जो मैंने आपको वीडियो बताई, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और बहुत सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, मतलब एक स्टेप ही है, ऐसे भी नहीं कि 5-6 स्टेप करने उसके बाद मतलब ये क्लियर होगा ये सब कुछ करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप में खत्म हो जाए, स्टेप भी नहीं है, बस एक चीज़ करनी है, बस लिखना है। आप मेरी वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितना ईजी है इंस्टाग्राम की स्टोरी सेव करना विद म्यूजिक के साथ। तो अब आप अपने बहुत ईजली से आप अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हो इंस्टाग्राम की स्टोरी विद म्यूजिक के साथ। तो मतलब अब आपको कुछ भी मतलब पूछना हो कि मतलब इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे से कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना। आपके किसी भी फ्रेंड्स को, किसी को भी मतलब नहीं पता होगा कि मतलब स्टोरी सेव कैसे करते हैं विद म्यूज़िक के साथ, तो आप उनको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।